सब्सक्राइब करें मेवात टाइम। मक्का मदीना जाने से पहले डॉक्टर तैयब ने हिंदू मुस्लिम एकता का दिया संदेश। दावत में मुख्य अतिथि के रूप में श्रम मंत्री टीका राम जूली हुए शामिल। जहां धर्म को लेकर आज लोग आपस में लड़ रहे हैं, वहीं किशनगढ़ बाद से उमरा के लिए मक्का मदीना जाने से पहले डॉक्टर तैयब खान ने हिंदू मुस्लिम एकता की अद्भुत मिसाल पेश की है। वक्फ बोर्ड राजस्थान के पूर्व सदस्य जुबैर अहमद अलवरी ने बताया कि डॉक्टर तैयब खान 6 फरवरी को उमरा के लिए मक्का मदीना रवाना होंगे। उन्होंने रविवार को कस्बे के बाईपास स्थित जुबैर अहमद अलवरी के निवास स्थान पर इब्राहिम मंजिल पर हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। दावत का प्रोग्राम खुशी के माहौल वो किया था, उसमें टीकाराम जूली जी जो है हमारे जो राजस्थान के मिनिस्टर हैं, उनको जब ये पता चला और दावत दी तो वो भी उसमें जो है बात है शरीक होने के लिए खुशी से, क्योंकि इलाके की अच्छी और भलाई, जिससे कि मुल्क और प्रदेश जो है बात है हर जगह का जो अमन की दुआ मांगने के लिए उन्होंने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की। दावत कार्यक्रम में मुख्य अतिथि टीका राम जूली श्रम मंत्री राजस्थान सरकार का साफा बांध कर फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए टीका राम जूली ने कहा कि डॉक्टर तैयब खान को पवित्र स्थान मक्का मदीना जाने का सौभाग्य मिला है, जो मक्का मदीना जाकर देश में शांति और खुशहाली की दुआ करेंगे। मक्का मदीना का एक बहुत बड़ा स्थान है पूरे विश्व के अंदर, बहुत पवित्र जगह है जहाँ जाने का सौभाग्य मिला है, तो इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि वो हम सब के लिए, पूरे इलाके के लिए दुआ करें कि प्रदेश में अमन चैन रहे, लोग तरक्की करें, सुख समृद्धि आए। मेवात की तमाम अहम खबरों के लिए मेवात टाइम्स टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें।